नमस्कार, मैं शिवानी धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना को लेकर भय अब भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 3.47% हो गई है। दर्ज नए मामलों के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,01,830 हो गई है। जदयू को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 अगस्त को बुलाई गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के सभी पार्टी नेता शामिल होंगे। बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, यह जानकारी जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी है। आज जन्माष्टमी के बेहद खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। हर घर नल जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। भारत सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया है। जो लोग हमेशा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या सोचकर ही कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, उनके लिए बुरी खबर है। दरअसल RBI पेमेंट पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का मोशन पोस्टर फिलहाल रिलीज हो गया है, साथ ही ट्रेलर की भी रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। 20 अगस्त को कठपुतली का ट्रेलर आप सभी के सामने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मणिपुर राजधानी इम्फाल में मंत्री पुखरी गैरिसन शुक्रवार को पहुंचे। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं भी सेना में शामिल होना चाहता था और मैंने एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा भी दी थी। मेरे पिता के गुजर जाने और अन्य समस्या के कारण शामिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बच्चे को अगर वर्दी पहना दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व और चाल बदल जाता है। इस वर्दी का ये करिश्मा है। भारत की 20 वर्षीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने इतिहास रच दिया है। यह UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। मनीषा ने ऐसा मार्क रियो स्टेडियम में अपोलन लेडीज FC के लिए खेलते हुए किया। मनीषा भारत के स्टार फुटबॉलर्स में से एक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को मणिपुर के मंत्री पोखरी में असम राइफल्स मुख्यालय का दौरा किया और रेड शील्ड डिवीजन और असम राइफल्स और सैनिकों के साथ बातचीत की। इस दौरान रक्षा मंत्री को क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान और सीमा प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में छपे पेपर में कहा गया है कि हड़बड़ी में बड़े पैमानों पर सरकारी बैंकों का निजीकरण करना ठीक नहीं होगा, इसे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। अगर देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए तो हमारे सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों से कहीं बेहतर काम किया है। मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। वानखेड़े ने इस मामले की शिकायत मुंबई के गोरेगांव पुलिस में दर्ज करवा दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल और वरिष्ठ IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिल रही है, वहीं पुलिस जाँच में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी राज्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक खासकर सीमावर्ती जिलों में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर और कई इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में अपने जीजा शैलेश को लेकर पहुंच चुके हैं। डिप्टी CM रहे और BJP विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेज प्रताप यादव मंत्रालयों की बैठक में अपने जीजा को ले जा रहे हैं। इन लोगों ने बिहार का मजाक बनाकर रख दिया है, हास्यास्पद स्थिति हो गई है। इंग्लैंड के 40 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन फिटनेस में आज भी युवाओं को टक्कर देते हैं। एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 110 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन जेम्स एंडरसन ने एक विकेट लिया, जिसके बाद वह 40 साल की उम्र में विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।
हमीरपुर जिले में केन नदी के किनारे एक चढ़वाहे को मुगल कालीन सोने के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि कुल 11 सिक्के बरामद हुए हैं, जिन्हें डीम के माध्यम से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए भेज दिए गए हैं। जाँच के बाद पता चलेगा कि यह सिक्के कितने पुराने हैं और इनकी कीमत कितनी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली NCR में 21 स्थानों पर CBI ने छापा मारा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर तलाशी की जा रही है। मनीष सिसोदिया समेत 4 लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1964 केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 9.42% हो गया है। इस दौरान 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बताया जा रहा है कि इस साल पिछले एक महीने में हर 10 में से 8 परिवारों में कोरोना, फ्लू या वायरल फीवर के लक्षण देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में यह लगभग 2 गुना है। देश का पहला डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को मुंबई में शोकेस किया गया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत के पहले डबल डेकर एयर कंडीशनर बस स्विच EIV-22 को तैयार किया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड अशोक लीलैंड की सब्सिडरी है। इस बस को मुंबई में जब शोकेस किया गया तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहाँ मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की गई है। इसी को लेकर NAI ने 5 जिलों में 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह छापेमारी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कठुआ, सांबा और डोडा जिले में की गई है। इंडिया से 8 चीते भारत लाए जाने हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनोपालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। हालांकि भारत ने कुछ चीतों को लेने से मना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें भारत में लाने के लिए नामीबिया से पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वे अब शिकार करने लायक नहीं रह गए थे। उन्हें सिर्फ कैद करने की रखा जा सकता था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि CBI आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। हम जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर CBI ने छापेमारी की है। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि यदि वे इतने साफ और बेदाग थे तो उन्हें शराब नीति को जारी रखना चाहिए था। वे पीछे क्यों हटे? क्योंकि वे जानते थे कि वह बेनकाब होने जा रहे हैं। कानून के मुताबिक बाहरी मतदाता जम्मू कश्मीर में अपना नाम बतौर वोटर पंजीकृत तो करवा सकते हैं, मगर उसके लिए यह जरूरी शर्त है कि उसे अपने गृह राज्य में अपना नाम वहाँ की मतदाता सूचियों से कटवाना पड़ेगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने कहा कि राजू श्रीवास्तव एक फाइटर हैं और हम सभी के बीच वापस लौटेंगे। उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उनका अच्छा इलाज कर रहे हैं। भारतीय रेलवे की ओर से IRCTC ने एक बार फिर से रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन को शुरू करने जा रही है। इस यात्रा में यात्री भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। 24 अगस्त को दिल्ली से इस यात्रा की शुरुआत होगी। ये ट्रेन अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम जैसी जगहों के दर्शन कराएंगे। अजमेर में दुनिया के 7 अजूबे दिखाए जाने की तैयारी होने वाली है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से यहां 1 हेक्टेयर भूमि पर इन अजूबों की रेप्लिका तैयार की गई है। आना सागर झील किनारे इस निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें पेरिस का एफिल टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार, मिस्र के पिरामिड, रोम का क्लोजियम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, आगरा का ताजमहल शामिल है। अमूल के ट्विटर अकाउंट से एक विज्ञापन शेयर किया है जिसे भारत के महान बिग बुल को श्रद्धांजलि कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है। इसमें झुनझुनवाला को एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है और उनके साथ एक बैल भी है। विज्ञापन में बिग बुल हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। इस विज्ञापन में ऊपर लिखा है, अपने बल से बुलंद बना। इस विज्ञापन में झुनझुनवाला की बड़ी शख्सियत को बताने की कोशिश की गई है। झारखंड में ओमिक्रोन के नए सब वेरिएंट सेंटोरस के कारण कोविड संक्रमण की रफ्तार में इजाफा हुआ है। निष्कर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में संग्रह किए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से सामने आया है। पाया गया है कि राज्य में कोविड संक्रमण के कुल मामलों में 63.23% केस के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है। प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप शेयरचैट ने पाया है कि कर्नाटक भारत का सबसे ज़्यादा चैटिंग करने वाला राज्य है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना क्रमशः 3रे, 4थे और 5वें स्थान पर है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंसूर मंसरी, राजेश राज, प्रिंस पाड़ो, धीरज कुमार झा, जितेंद्र ठाकुर, विषम कुमार, अखिलेश यादव, नुनू कुमार और निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि ट्रेन में डिजिटल पेमेंट की सुविधा आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।